सोशियो कल्चरल फाउंडेशन एंड करिकुलम डवेलपमेंट सोशो कल्चरल फाउंडेशन रिक्वायर्स दैट एनी करिकुलम विच इज़ बीग क्रिएटेड फॉर एनी सोसाइटी इट हैज़ टू कीप इन माइंड दैट वट काइंडल से अभी हमने कल्चर की तारीफ में देखा कि कल्चर या सोशियो कल्चरल सेटअप हमें यह बताता है कि किसी भी जगह के रहने वाले लोगों के रहने सहन के क्या तरीके हैं वो किस तरह की खुराक खाते हैं किस तरह से मुख्तफ रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं किस तरह से उनके रिलीजियस और पोलिटिकल एक्टिविटीज़ तरतीब दी जाती हैं जब यह तमाम कंसिड्रेशन हमारे जहन में हैं तो हम इस करिकुलम को जब बनाएंगे तो हमें यह जहन में रखना है कि करिकुलम स्कूल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को किस तरह से देखता है और एजुकेशन और ग्रोथ ऑफ लर्नर में क्या ताल्लुक़ है सो so, बच्चों के पढ़ाई में और उनकी एजुकेशन का आपस में क्या ताल्लुक है यानी सोसाइटी चाइल्ड ग्रोथ एंड एजुकेशन हाउ दिस ट्राइंगल वर्क्स टुगेदर। नाउ करिकुलम ऑफ ए स्कूल द कल्चर ऑफ द पीपल दैट दे लिव इन नाउ स्कूल है क्या स्कूल एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है अमूमन आप किताबों में पढ़ेंगे स्कूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एनी सोसाइटी सो व्हाट इट मींस इज That while we are developing curriculum with socio cultural setup in mind, so we have to keep in mind what can be taught in the classroom and what will be acceptable by the society or what is acceptable by the society. So, when this curriculum is taught in a classroom or in any school, so the school is trying to establish the same kind of rituals and same kind of activities which are acceptable by the society. और जिन लोगों के वो इंटरेस्ट को सर्व करता है जो उस कल्चर में रहते हैं वी हैव टू रिमेंबर दैट स्कूल इज इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इंडिविजुअल दोस्ट हु आर कमिंग टू स्कूल एज ए लर्नर और दोस्त हु आर कमिंग एज ए टीचर दे बिलोंग टू द सेम सोशियो कल्चरल सेटअप सो स्कूल ने एक सोशल सेटअप में रहना है उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ही पढ़ाना है द कल्चर अफेक्शन शेप द स्कूल एंड इट्स करिकुला और यह कहना वजह है कि आपका स्कूल एक रिफ्लेक्शन है आपकी सोसाइटी का और वो शेप करेगा आपकी सोसाइटी को यानी आप अपने क्लासरूम में जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों ने वापस उसी को घर लेकर जाना है और जो रवैये आप बच्चों में तरतीब देंगे वही बच्चे बच्च, जाके रवैया अपनी सोसाइटी में दिखाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन से रवैये ऐसे हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं या कौन से महारतें ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी महारतें वो हैं जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हैं लिहाजा कल्चर इट अफेक्ट्स एंड शेप द स्कूल एंड इट्स करिकुलर सो कल्चरल डिमांड को स्कूल में तरतीब देना नहाय ज़रूरी है और उसके मुताबिक करिकुलम को डेवलप डव, करना बड़ा ही ज़रूरी है स्कूल एक करिकुलम को पढ़ाते हुए कैन चेंज द सोसाइटी नाउ वट वी इन आर करिकुलम वट काइंड ऑफ कॉन्टेंट एरियाज वी आर टीचिंग वट कॉन्सेप्ट वी टीच वट ऑफ स्किल्स वी आर डेवलपिंग अमंग आर स्टूडेंट्स एंड वट ऑफ एटीच्यूड्स एंड बिहेवियर्स वी टीच स्टूडेंट वीच आर एक्सेप्टेबल इन द स्कूल सो वी हैव टू वरी अबाउट वेदर दीज केपेबिलिटीज

अगर आपके करिकुलम में ये शामिल है तो डेफिनेटली आपके सोसाइटी पर उसका असर पड़ेगा लिहाजा जब हम स्कूल में कुछ पढ़ाते हैं तो बच्चे ने वही वापस अपने घर लेकर जाना है और अपने वॉशरेम में लेकर जाना है सो सोसाइटी कैन मोल्ड द स्कूल अब सोसाइटी जब अपना प्रेशर डालती है वट कैन बी taught इन द क्लासरूम एंड वट कैन नॉट बी थॉट इन द क्लासरूम दैट इज टू बी पोर्ट्रेड इन द करिकुलम एंड वी हैव टू ऑलो कीप इन माइंड दैट वी कैन नॉट मीनिंगफुली कंसिडर द डेवलपमेंट और डिलीवरी ऑफ करिकुलम विदाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द स्कूल एंड द सोसाइटी या हम उस वक्त तक करिकुलम नहीं बना सकते और ना ही हम उस वक्त तक करिकुलम को डिलीवर कर सकते हैं जब तक के हमारे कॉन्सेप्ट सोसाइटी स्कूल और करिकुलम के बारे में क्लियर नहीं है यहाँ पर सोसाइटी और स्कूल का एक वेवलेंथ पर होना या एक तरह से सोचना नहायत ही जरूरी है करिकुलम डेवलपर यूजुअली उसी माशरे से ताल्लुक रखता है जहां पर वो करिकुलम डेवलप कर रहा है अगर ऐसा ना भी हो तो कोई भी करिकुलम डेवलपर किसी भी जगह के कल्चर या उसके सोशियो कल्चरल स्टेटस को या उसके सोशल कल्चरल सेटिंग को जहन से नहीं निकालता बल्कि माशरे की समझ बूझ के बाद और क्या एक्सेप्टेबल है कॉन्टेंट वाइज कौन से स्किल पढ़ाने जरूरी हैं क्या वोकेशनल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है और कुछ वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है किस किस्म के रवैये एक्सेप्टेबल हैं किस तरह तरह का लाइफ स्टाइल एक्सेप्टेबल है इन तमाम कंसिडरेशन के बाद ही कोई भी करिकुलम डेवलपर करिकुलम तरतीब देता है और उस करिकुलम को फेक्ट सोसाइटी की एक्सेप्टेबिलिटी के बाद ही स्कूल में पढ़ाया जाता है और उस करिकुलम की इवेल्यूशन उस वक्त हो जाती है जब बच्चे उन तमाम रवैयों को सीखने के बाद उस सोसाइटी में जाकर वो करना शुरू करते हैं या अपने बिहेवियर्स और एटीट्यूड से बताना शुरू कर देते हैं कि स्कूल में किस किस्म की तालीम दी जा रही है